Welcome dear students, after completion of topic Sadharan Rasa and Ratna, today I am going to start a new and important topic Lohavarga. As we all know that drugs of plant origin, animal origin and mineral origin are used for treatment in Ayurveda. In category mineral origin drugs, metals are also used for treatment, but only after undergoing special techniques and procedures. These special techniques and procedures enables the metal to be used internally. So in this series, you will learn about these techniques and procedures and many more new things about Lohavarga. What is Lohavarga? स्वर्ण रजत ताम्र अयस यानी लोहा नाग वंग और यशत ये सात मूल धातुएं तथा पीतल कांस्य एवं वर्त लोह इन तीन मिश्र लोहों को लोह वर्ग के नाम से सूचित किया जाता है। मिश्र लोह अर्थात जो धातुएं प्रकृति से इसी अवस्था में प्राप्त नहीं होती अपितु उन्हें दो या दो से अधिक धातुओं को पिघलाकर किसी अनुपात विशेष में मिलाकर बनाया जाता है। लोह वर्ग में केवल इन्हीं धातुओं को इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि वर्तमान में इन्हीं का ही उपयोग आयुर्वेदीय चिकित्सा में होता है। प्राचीन काल में स्वर्ण रजत ताम्र आदि द्रव्यों को लोह शब्द से सूचित किया जाता था और जिन खनिजों में किसी प्रकार का लोह विद्यमान होता था उन्हें धातु कहते थे। जैसे अगर कॉपर का कोई ओर है तो उसको ताम्र धातु कहा जाता था तथा जब उस ओर से उस अयस्क से हम कॉपर या ताम्र को अलग कर लेते हैं तो उस अलग किए हुए ताम्र को ताम्र लोह कहा जाता था। तो लोह वर्ड वाज यूज्ड फॉर मेटल एंड धातु वर्ड वाज यूज्ड फॉर इट्स ओर। और आज हम धातु स्वर्ण रजत ताम्र को धातु कहते हैं और लोह शब्द लोहे के लिए प्रयुक्त होता है। और धातु की निरुक्ति के लिए आयुर्वेद प्रकाशकार ने कहा है वली पलित खालित्य कार्शया अबल्या जरा आमयान निवार्य दधते देहम निर्णाम तद धातवो मतः, जिसके सेवन से शरीर में वली अर्थात झुर्रिया, पलित अर्थात बालों का सफ़ेद होना, खालित्य अर्थात गंजापन, कृशता, अबल्य अर्थात निर्बलता, जरा वृद्धावस्था, आमय रोग, इनका नाश कर, इनका निवारण कर, दधते देहम जो शरीर को धारण करे तद धातुओ मतः उसे धातु कहते हैं। अर्थात धातुओं की श्रेष्ठ भस्म का सेवन करने पर उपर्युक्त रोगों का नाश होकर मनुष्य बहुत दिनों तक स्वस्थ रहता हुआ सुखपूर्वक दीर्घ जीवन व्यतीत कर सकता है। धातुर लोहे लुह इति मतः सो अपि अनेकार्थवाची। लोह शब्द लुह धातु से बना है जिसका अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना। प्रत्येक धातु अपने खनिजों से खींचकर बाहर निकाल जाती है, इसीलिए लोह संख्या दी गई थी। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि जो शरीर के दोषों एवं रोगों को खींचकर बाहर निकाले उसे लोह कहते हैं। थेरापिटिक इम्पोर्टेंस। मृतानी लोहानी रसी भवंती
निघ्नन्ति युक्तानि महाआम्याश्च अभ्यास योगात दृढ़ देह सिद्धिम कुर्वन्ति रुग्जन्म जरा विनाशम। मृतानि लोहानि धातुओं का प्रयोग हम चिकित्सा में किस अवस्था में करते हैं? उनका शोधन मारण करके भस्म रूप में। तो मृतानि लोहानि अर्थात धातुओं का शोधन मारण करके जब उन्हें भस्म रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है तो ऐसे मृत लोहो रसी भवन्ति रस रूप हो जाते हैं अर्थात शारीरिक रस में शीघ्र मिल जाते हैं। निघ्नन्ति युक्तानि महामयाश इनके युक्ति पूर्वक प्रयोग करने से बड़ा रोग भी दूर हो जाते हैं। अभ्यास योगात लंबे समय तक सेवन करने पर दृढ़ देह सिद्धिम ये शरीर को सशक्त बनाती है। कुर्वन्ति रुग जन्म जरा विनाशन रुग जन्म अर्थात रोगों की उत्पत्ति शरीर को दृढ़ बनाकर रोगोत्पत्ति और वृद्धावस्था को रोक देती है। उपधातु जिन द्रव्यों में धातुओं के गुणों के समान ही गुण होते हैं किंतु किंचित अल्प मात्रा में होते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु अपनी अपनी धातुओं के गुण लिए हुए होते हैं और किसी भी धातु के अभाव में उसके उपधातु को प्रतिनिधि रूप में ग्रहण किया जाता है। शारंगधर संहिता में माक्षिक तुथ अभ्रक नीलांजन मनहशिला हरताल एवं रसक इन सात द्रव्यों को उपधातु माना है। आयुर्वेद प्रकाशकार में भी ने भी सात द्रव्यों स्वर्णमाक्षिक रजतमाक्षिक तुथ कांस्य पीतल सिंदूर और शिलाजतु को उपधातु माना है। ये उपधातु अपनी अपनी धातुओं के गुणों के समान गुणवान एवं द्रव्य अंतर संयोग से विशेष गुणों को भी रखते हैं। क्लासिफिकेशन धातुओं का ज्ञान वैदिक काल से है। अथर्ववेद में स्वर्ण को हरित एवं चांदी को रजत तथा लोहे को श्याम मयलोह ताम्र को लोहित मयलोह कहा गया है। अथर्ववेद में स्वर्ण रजत और लोह को क्रमशः सत्व रज एवं तम से उपमा दी है। याज्ञवल्क्य स्मृति में छह धातुओं का वर्गीकरण किया गया है। आयुर्वेद की संहिताओं चरक एवं सुश्रुत में भी आठ लोहों का वर्णन है। वर्तमान समय में रसरत्न समुच्चय का लोह वर्गीकरण ही विशेष रूप से अध्ययन अध्यापन में प्रचलित है, इसलिए उसके अनुसार ही यहाँ पर लोह का वर्गीकरण दिया गया है। रेफरेंस रसरत्न समुच्चय पांचवा अध्याय। रसरत्न समुच्चय के अनुसार लोह वर्ग को तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला है शुद्ध लोह। शुद्ध लोह अर्थात जिसमें कोई अन्य द्रव्य आदि मिश्रित ना हो, जो तपाने पर विकृत नहीं होता बल्कि और अधिक सुंदर और मजबूत हो जाता है। शुद्ध लोह के अंतर्गत स्वर्ण रजत ताम्र और लोह इनका समावेश किया गया है। पूती लोह जो धातुएं अग्नि पर तपाने पर शीघ्र पिघल जाते हैं जिन लोह होता है और तपाते समय इनमें से पूती गंध अर्थात दुर्गंध निकलती है उन्हें पूती लोह कहते हैं। पिघलाते समय गंध निकलने के कारण ही पूती लोह यह संज्ञा दी गई है। खुली हवा के प्रभाव से पूती लोह की मैली हो जाती है। इसके अंतर्गत आने वाली धातुएं हैं नाग और वंग। मिश्र लोह जो दो या अधिक धातुओं को एकत्र मिलाकर बनाए गए मिश्रण रूप धातु को मिश्र लोह कहते हैं। जैसे पीतल, पीतल में दो भाग ताम्र और एक भाग यशद अर्थात जिंक होता है। कांस्य
कांसे में चार भाग ताम्र और एक भाग वंग अर्थात टिन होता है, और वर्त लौह में कांसे और पीतल ये दोनों मिश्र लौह तथा इनके साथ ताम्र लौह और नाग ये पांचों समान भाग में मिलकर वर्त लौह बनाते हैं। यहाँ पर यशद का वर्णन नहीं किया गया है, जबकि लौह वर्ग में यशद को इंक्लूड किया गया था। तो ऐसा इस कारण है क्योंकि रसरत्न समुच्चय के काल तक यशद को धातु रूप में मान्यता नहीं मिली थी। आयुर्वेद प्रकाश ने यशद को सात धातुओं के अंतर्गत सातवें धातु के रूप में अपने ग्रंथ में सम्मिलित किया है। माइथोलॉजिकल ओरिजिन, धातुओं की उत्पत्ति में पौराणिक मान्यता। रस कामधेनु के अनुसार धातुओं की उत्पत्ति विभिन्न देवताओं व उनके अंशों से मानी गई है, जैसे स्वर्ण की उत्पत्ति अग्नि या अग्नि के वीर्य से, रजत की उत्पत्ति चंद्रमा या परमेश्वर शिव से, ताम्र की उत्पत्ति सूर्य से, वंग की उत्पत्ति शक्र देह अर्थात इंद्र के शरीर, नाग अर्थात सीसा लैड की उत्पत्ति वासुकी नाग से, और लोहो की उत्पत्ति काल मूर्ति यमराज से हुई है। भविष्य पुराण के अनुसार लोहो की उत्पत्ति लोहासुर दैत्य से मानी गई है। प्लेनेट रिलेशनशिप, धातुओं का ग्रह से संबंध। ताम्र तार आगश्च हेम वंगौ च तीक्ष्णकम् कांस्यकम् कांतलोहम् च धातवो नव्ये स्मृतः। सूर्यादीनां ग्रहणां ते कथिता नाम भी क्रमात्। शारंगधर संहिता के अनुसार नव धातुओं का नव ग्रह से संबंध स्थापित किया गया है, जो इस प्रकार है। ताम्र का संबंध सूर्य से, और सूर्य ग्रह का प्रतिनिधि रत्न क्या है? माणिक्य। रजत का संबंध चंद्र से, और चंद्र ग्रह का प्रतिनिधि रत्न है मुक्ता। पीतल धातु का संबंध मंगल ग्रह से, और रत्न है प्रवाल। नाग अर्थात लैड का संबंध बुध से, और रत्न है तारक्ष्य। स्वर्ण का संबंध गुरु से, और रत्न है पुखराज। वंग का संबंध शुक्र से, और रत्न है वज्र। तीक्ष्ण लोहों का संबंध शनि से, आपने देखा होगा कि शनि की जो मूर्ति है वो लोहे की बनाई जाती है, और शनि का रत्न है नीलम। कांस्य का संबंध राहु से, और रत्न है गोमेद। कांतलोह का संबंध केतु से, और रत्न है वैदुर्य। शारंगधर संहिता ने केतु ग्रह से कांतलोह का संबंध बताया है, जबकि आयुर्वेद प्रकाश में केतु ग्रह से वर्त लोह जो मिश्र लोह के अंतर्गत आता है का संबंध बताया है। अग्नि में परीक्षा, ये एक तरह से प्राचीन काल में धातुओं की ऑथेंटिसिटी टेस्ट करने के लिए दिए गए कुछ मानक है। इसमें सबसे पहले है लॉस ऑन फायर। धातुओं को अग्नि पर गर्म करने पर उसमें कुछ क्षीणता होती है। वह क्षीणता किस प्रकार है? स्वर्ण अग्नि पर अक्षीण रहता है। स्वर्ण को अग्नि पर गर्म करने पर उसमें किसी भी प्रकार की हानि नहीं देखी जाती है, क्योंकि स्वर्ण नोबल मेटल है। नोबल मेटल होने के कारण वातावरण की कोई प्रतिक्रिया ना होने से इसमें किसी भी प्रकार की हानि या क्षय नहीं होता है। रजत में यह हानि है 2%, ताम्र में
5%, नाग और वंग इन दोनों पूती लोहों में 8% और लोहों में 10%। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाई है, उसमें आप धातुओं के अगर पहले अक्षरों को जोड़ो तो आपका बन जाएगा लो, सुर तान लो। इस क्रम से आप याद करेंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ही उनका लोस है, 0, 2, 5, 8, 10। कलर ऑफ फ्लेम, ज्वाला को देखकर जब हम किसी धातु के पतले पत्र को अग्नि पर गर्म करते हैं तो ज्वाला को देखकर ज्ञान किया जा सकता है कि कौन सी धातु है। आवर्त माने कण के पिता, अर्थात स्वर्ण की अग्नि पर किस प्रकार की ज्वाला होती है, पीत वर्ण की ज्वाला, कण के पिता। तारे सीता प्रभा, तार अर्थात रजत धातु, रजत की श्वेत वर्ण की ज्वाला। शुल्वे नील निभा, ताम्र शुल्व अर्थात ताम्र, ताम्र की नील वर्ण की ज्वाला। तीक्ष्णे कृष्ण वर्णा, तीक्ष्ण लोहो की कृष्ण वर्ण की ज्वाला। वंगे ज्वाला कपोताभा, वंग अर्थात टिनकी, कपोत वर्ण की ज्वाला। नाभूमिका, नाग की धूम्र वर्ण की ज्वाला। शैले तू धूसरा, शिला जतु की धूसर वर्ण की ज्वाला। आय से कपिल प्रभा, अयस अर्थात लोहो की कपिल वर्ण की ज्वाला। अयस कांते धूम्र वर्णा, अयस कांत की धूम्र वर्ण की ज्वाला। सस्य के लोहिता भवेद, सस्य की अर्थात तुत की लोहित वर्ण की ज्वाला। वज्र विधा ज्वाला, खा सत्वे पांडुर प्रभा, अभ्रक सत्व की पांडुर वर्ण की ज्वाला और वज्र की नाना वर्ण की ज्वाला उत्पन्न होती है। धातु सामान्य शोधन, द्रव्य स्थित सामान्य अशुद्धियों को जिस विधि से दूर किया जाए उसे सामान्य शोधन कहते हैं, या फिर जिस विधि से स्वर्णादि सभी धातुएं अथवा पूरे वर्ग विशेष एक विधि से अगर शुद्ध हो जाए तो उस विधि को उस वर्ग का सामान्य शोधन कहा जाता है। तो धातुओं के लिए सामान्य शोधन रसरत्न समुच्चय में इस प्रकार बताया गया है। तैले तक्रे गवाम मूत्रे आर नाले कुलत्थजे, क्रमात निशे चये तप्तम, द्रावे द्रावे तु सप्तधा, स्वर्णादि लोहो पत्राणाम शुद्धिर एषा प्रशस्यते। धातु का सामान्य शोधन करने के लिए हमें पहले जिस धातु का शोधन करना है उसके पतले पत्र बना लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है, धातुओं को बहुत ही पतले पत्र या रिबन में कन्वर्ट कर लिया जाता है। फिर यहाँ पर हमने निषेक टेक्निक, निषेक या निर्वाक टेक्निक का यूज किया है। तो सबसे पहले हम धातु के पतले पत्र को अग्नि पर रक्त प्रतप्त होने तक गर्म करते हैं और रक्त प्रतप्त होने पर उसके बाद हमें उसे मीडिया में डालना है। यहाँ पर हमारे पास 5 मीडिया है, तेल, तक्र, गोमूत्र, आरनाल अर्थात कांजी और कुलत्थ। और हर एक मीडिया में अलग अलग 7-7 बार निषेक करने के लिए कहा गया है। तो अगर हमने धातु का, किसी धातु का जिसका हमें शोधन करना है, एक पत्र बनाया तो उस पत्र को हमें 5 मीडिया, हर मीडिया में 7 बार यानी 5 × 7 = 35 टाइम्स हमें उसका निषेक करना होगा। तो पहले हम धातु के पतले पत्र को अग्नि में रक्त प्रतप्त कर तेल में 7 बार, फिर उसी प्रकार तक्र में 7 बार, फिर गोमूत्र में 7 बार, फिर आरनाल में 7 बार और फिर कुलत्थ क्वाथ में पृथक पृथक 7 बार बुझाएंगे तो इस विधि से स्वर्णादि सभी लोह शुद्ध हो जाते हैं। ये श्लोक आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये सभी को ही लर्न करना है।
ये बिल्कुल एकदम मस्ट है ये श्लोक लर्न करना। धातुओं के सामान्य शोधन के लिए रसरंगिणी में जो रेफरेंस दिया है वो है, प्रतप्तानि तु लोहानी रंभा मूल जले भिषक। रंभा अर्थात रंभा मूल जल कदली कंद स्वरस। यहाँ पर मीडिया में कंद स्वरस को लिया गया है और कहा गया है कि धातुओं के पतले पत्र बनाकर अगर कदली कंद स्वरस में 7 बार बुझा लिया जाए तो भी धातुएं शुद्ध हो जाती हैं। रसरत्न समुच्चय में सामान्य शोधन के लिए जो अन्य विधि दी गई है वह है शशशतज संलिप्तम त्रिवारम परितापितम। अर्थात शशक के रक्त की भावना या उसी का लेप करने में 3 बार प्रतप्त करने से मुंडादि सभी लोह शुद्ध हो जाते हैं। धातु का सामान्य मारण। धातु के सामान्य मारण के अंतर्गत सबसे पहले रसरत्न समुच्चय का ये श्लोक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लोहा नाम मारणम श्रेष्ठम सर्वेषां रस भस्मना। यहाँ पर इस श्लोक में धातुओं की भस्मों के निर्माण के या फिर धातु की भस्मों के 4 प्रकार बताए गए हैं कि निर्माण भेद से हम 4 तरह से धातु की भस्में बना सकते हैं। पहला जो उत्तम जो सबसे सुपीरियर क्वालिटी की भस्म बनेगी वो कैसे बनेगी, लोहा नाम मारणम श्रेष्ठम सर्वेशाम रस भस्मना। अगर हम जो मारण का हमारा प्रोसीजर है उसमें हम सहायक द्रव्य के रूप में पारद या पारद के यौगिक को जैसे रस सिंदूर का प्रयोग करते हैं तब जो धातु भस्म बनेगी वो उत्तम होती है। मध्यम मूलीभिर मध्यमम प्राहु। अगर हम सहायक द्रव्य के रूप में हर्बल रस लेते हैं मारण विद हर्बल रस तो जो भस्म बनेगी उसे हम मध्यम भस्म कहेंगे। कनिष्ठम गंधक आदि भी थर्ड कनिष्ठ। अगर हम गंधक या फिर उसके यौगिकों सल्फर एंड इट्स कंपाउंड्स लाइक हड़ताल बनेहशिला इनकी सहायता से अगर हम धातु के भस्मों का निर्माण करते हैं तो वो कनिष्ठ भस्म बनती है। अरि लोहेन लोहस्य मारणम दुर्गुणप्रदम। और फोर्थ नंबर पे हमारा आता है मारण विद अरि लोह। अगर हम किसी धातु की भस्म बनाने के लिए उसके अरि लोह की सहायता लेते हैं तो उससे जो भस्म बनती है वो दुर्गुणप्रद बताई गई है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अरि लोह अर्थात शत्रु लोह अरि लोह की सहायता से भस्म जल्दी बन जाती है जिसके कारण पुट कम लगते हैं तो उसमें ये चांसेस रहते हैं कि मेटल आपकी फ्री फॉर्म में रह सकती है इसीलिए उसको दुर्गुणप्रद बताया गया। इसलिए अगर आप अरि लोहों के साथ कभी भस्म बनाते हैं तो आपको इस और विशेष ध्यान देना है कि मेटल अपनी फ्री फॉर्म में नहीं रहनी चाहिए उसे किसी ना किसी कंपाउंड फॉर्म में पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाना है। और इसके लिए मैंने आपको क्लास में भी बताया था हम अपुनर्भव और निरुद्ध परीक्षा यही देखने के लिए करते हैं कि मेटल हमारी पूरी तरह से किसी कंपाउंड में कन्वर्ट हो गई है या नहीं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट है भस्म के लिए। तो हमारी 4 तरह की भस्म हो गई जो कि सहायक द्रव्य के अनुसार है, उत्तम पारद, मध्यम हर्बल रग, कनिष्ठ गंधक और गंधक के योगी और दुर्गुण प्रद अरि लोह की सहायता से। ये श्लोक भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तेले तकरे वाला श्लोक और लोहा नाम मारणम, ये आपको सभी को लर्न करना है। नेक्स्ट ये रस तरंगणी में जैसे अभी हमने बताया कि अरि लोह की सहायता से धातु की भस्में शीघ्र बन जाती है तो ये कुछ जोड़े दिए गए हैं कि किस धातु की भस्म किस अरि लोह की सहायता से
शीघ्र बनेगी। इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर कभी ऐसी कंडीशन आई कि आपके आपके दोस्त को में और आप में किसी ने कहा आपके दोस्त को कि उसे आपको मारना है, तो आपका दोस्त ये कोशिश करेगा कि हल्के से मारा जाए। लेकिन अगर आपके शत्रु को, दुश्मन को ये चांस मिल जाए कि आपको मारना है, तो वो एक बार में ही अच्छे से मार देगा। तो आप ऐसे ही से समझ सकते हैं कि जो शत्रु लोहो है वो धातु को जल्दी मृत अवस्था में ले आएगा। तो यहाँ पर ये जो जोड़े दिए गए हैं वो है तालेन वंगम, हड़ताल। ताल मतलब हड़ताल। हड़ताल की सहायता से हम किसकी भस्म बना सकते हैं? वंग की। अगर हमें वंग की भस्म बनानी है, वंग धातु की भस्म बनानी है, तो अगर हम सहायक द्रव्य के रूप में हड़ताल गंधक का एक यौगिक करते हैं, तो वंग की भस्म शीघ्रता पूर्वक बन जाएगी। दर्देन तीक्ष्णम, दर्द हिंगुल का पर्याय है, तो हिंगुल की सहायता से हम लोहो की भस्म शीघ्रता पूर्वक बना सकते हैं। नागेन हेमम, नाग अर्थात लेड की सहायता से हम स्वर्ण की भस्म शीघ्रता पूर्वक बना सकते हैं। शिलिया चै नागम, मनह शिला की सहायता से नाग की भस्म शीघ्रता पूर्वक बना सकते हैं। गंधाश्मना चै एव निहंती शुल्वम, गंधक की सहायता से हम शुल्व अर्थात ताम्र, ताम्र की भस्म शीघ्रता पूर्वक बना सकते हैं। तारश्च माक्षिक रसेन हन्यात, तार अर्थात रजत, और स्वर्ण माक्षिक की सहायता से रजत की भस्म शीघ्रता पूर्वक बना सकते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको वंग और गंधक पढ़ाया था, तो गंधक के सिनोनियम में आपको शुलवारी बताया गया है अर्थात ताम्र का शत्रु, और हड़ताल के सिनोनियम में मैंने आपको वंगारी बताया है, यानी हड़ताल जो है वो वंग का शत्रु। सामान्य मारण में रसतरंगिणी का एक और श्लोक है, वो है मनह शिला गंधक सूर्य दुग्धे सममर्ध्य खलवे कलु सप्तलोहम। अगर आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि हमें भस्म कैसे बनानी है, तो रसतरंगिणी का ये रेफरेंस है कि सप्तलोह में से किसी भी लोहो अर्थात धातु को मनह शिला एवं गंधक में मिला लें, मतलब सहायक द्रव्य के रूप में आप मनह शिला और गंधक का यूज करें। सूर्य दुग्धे सम्मर्द है, भावना द्रव्य के रूप में आप अर्क दुग्ध के साथ उसका मर्दन कर ले, और फिर उसको शराव संपुट करके वन्य उत्पल अग्नो पुटितम प्रणाद अनुत्तमाम याति मृतिम यह अवश्यम। फिर उसको सुखाकर शराव संपुट करके अग्नि में पाक करे अर्थात पुट पाक दे। भी सप्त लोहों में से किसी की भी भस्म का हम निर्माण कर सकते हैं। पुट देते समय आपको हमेशा भस्म परीक्षा, आपको तब तक पुट देना है जब तक कि आपकी भस्म, जो भस्म परीक्षा के जो मानक बताए गए हैं, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उन पर पूरी तरह से खरी नहीं उतरती है। रसायनों में धातुओं के सामान्य मारण के लिए कहा गया है, न सो अस्ति लोहो मातंगो अयम न गंधक केसरी निहन्याद गंध मात्रेण यत्वामाक्षिक केसरी। अर्थात गंधक और माक्षिक के सहयोग से भी सभी धातुओं का मारण, मतलब आपको किसी भी धातु का मारण करना है तो आप सहायक द्रव्य के रूप में गंधक ले लें, या आप सहायक द्रव्य के रूप में माक्षिक ले लें, और जनरल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मर्दन करके उसकी चक्रिका बनाकर शराव संपुट में करके धातु की कठिनता और मृदुता का ध्यान रखते हुए पुटपाक अग्नि में उसका पाक करें, और उतने नंबर ऑफ पुट आपको देने हैं जब तक कि भस्म भस्म परीक्षा पर
रेखापूर्ण सूक्ष्म लक्षण अपुनर्भव निरुद्ध उसका उत्तम वर्ण आने तक, जब तक इन सभी मानकों पर वो खरी नहीं उतरती है। अगर आप धातु के सामान्य वर्ण में बताए गए इन सभी पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो आगे जो भी आपकी इंडिविजुअल आप मेटल्स पढ़ेंगे उनके मारण में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप जानते हैं कि आपको अगर श्रेष्ठ भस्म बनानी है तो आपको सहायक द्रव्य के रूप में क्या लेना है, अगर आपको उत्तम भस्म बनानी है तो पारद लेना है। ठीक, आप अरिलोह के बारे में जान गए हैं कि अरिलोह की अगर हम सहायता लेते हैं तो भस्म हमारी शीघ्रता पूर्वक बन जाएगी, लेकिन वहां पर हमको ये ध्यान देना रहेगा कि भस्म अपुनर्भव या निरुद्ध हुई है या नहीं हुई है। ठीक, आपको अरिलोह भी ध्यान नहीं आ रहा है तो आप उस कंडीशन में भी आपके पास रेफरेंस है कि आप मनःशिला और गंधक की सहायता से या गंधक और माक्षिक की सहायता से मारण की सामान्य विधि को फॉलो करते हुए धातुओं की भस्म बना सकते हैं। अग्नि प्रमाण। आयुर्वेद प्रकाशकार में विभिन्न धातुओं की भस्म बनाने के लिए हमें कितनी अग्नि देनी है उसके बारे में बताया गया है। आयुर्वेद में अग्नि का प्रमाण क्या है? यहाँ पर हम कोई आपको आयुर्वेद में टेक्स्ट में ऐसा तो नहीं बताया गया है कि आपको 500 डिग्री सेल्सियस पे इतने तक गर्म करना है। वो आपका अब मॉडर्न लिटरेचर में आया है जब आप इलेक्ट्रॉनिक मफल फर्नेस की हेल्प से भस्म बनाते हैं, लेकिन शास्त्रीय विधि से जब आप भस्म बनाते हैं तो वहां पर हमारा अग्नि का प्रमाण है पुट। अगर हमें बहुत ज़्यादा, हमारी कठोर धातु है, बहुत ज़्यादा हमें अग्नि देनी है तो हम महापुट देते हैं, नहीं तो गजपुट देते हैं, उससे छोटा वराहपुट देते हैं, उससे छोटा कुक्कुट पुट, ये सब हमारे आते हैं। तो स्वर्ण रूप्य वधे गेयम पुटम कुक्कुट आदिकम, आयुर्वेद प्रकाशकार ने क्या कहा है कि स्वर्ण एवं रजत के मारण के लिए कुक्कुट पुट की अग्नि देनी चाहिए। ताम्रे काष्ठादि जो, ताम्र के लिए काष्ठाग्नि की तीव्र अग्नि, लोहे गजपुटानी चे, और लोहो के लिए गजपुट की अग्नि से पुट देना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास एक पूरा जनरल आइडिया आ गया है कि लोहो वर्ग में हमारे पास कोई भी धातु है तो हमें उसका सामान्य शोधन कैसे करना है। तेले तक्रे गोमूत्र आरनाल कुलत्थपात, ये पांच मीडिया है। हर एक मीडिया में हमें अलग अलग सात सात बार निषेक करना है धातु का। कैसे करना है? धातु को पतले पत्र में बदलने के बाद। ठीक, हमारे पास सामान्य मारण की भी विधि आ गई है, हमारे पास अग्नि का भी प्रमाण आ गया है कि अगर स्वर्ण और रजत है तो हम कुट पुट देंगे, लोहो है गजपुट देंगे। तो ये सब हमारे पास एक बेस तैयार हो गया है कि हमें धातुओं को कैसे चिकित्सा में प्रयोग लाने के लिए प्रोसेस करना है। कलर्स ऑफ भस्मास, योग रत्नाकर में विभिन्न धातुओं के भस्मों के वर्ण का ये रेफरेंस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रेफरेंस है। धातु का ये जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है इसके सभी रेफरेंसेस आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको बहुत ही ध्यान से पूरा करना है क्योंकि आगे ये इंडिविजुअल हर मेटल के लिए आपका बेस बनने जा रहा है। तो ये आपको बहुत ही ध्यान से एकदम अच्छे से आपको क्लियर कर लेना है। जहाँ भी आपको कोई क्वेरी है तो आप उसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। स्वर्ण चंपक वर्ण आभम, स्वर्ण भस्म का वर्ण कैसा होता है? गैरिक या चंपक पुष्प के वर्ण जैसा। ठीक, स्वर्ण भस्म हमारी पीत केसर वर्ण की होती है। कृष्णत्वम तार ताम्रियो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकतर एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जाता है। रजत भस्म तार अर्थात रजत और ताम्र भस्म, ये दोनों हमारी कृष्ण वर्ण की होती है। रजत धातु हमारी शुभ्र सफेद वर्ण की धातु है, ताम्र हमारी रक्त वर्ण की धातु है, लेकिन इनकी भस्म जब ये कंपाउंड बना लेती है अपना तो कृष्ण वर्ण की भस्म इनकी हमें प्राप्त होती है। कांस्यम धूसर वर्ण, कांस्य की भस्म धूसर वर्ण की होती है। स्यात नाग पारावत प्रभे, नाग भस्म पारावत अर्थात कपोत की आभा जैसे वर्ण की होती है।
वंग शुभ्रत्व मायाति, वंग धातु हमारी श्वेत वर्ण की ही होती है और उसकी भस्म भी श्वेत वर्ण की ही होती है। तीक्ष्ण लोहो भस्म तीक्ष्णम जम्बूक फलोपमम, तीक्ष्ण लोहो भस्म पके जम्बू फल के सदृश वर्ण की। अभ्रकम चैष्टिकाभम, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जानते हैं कि अभ्रक भस्म हमारी इष्टिका चूर्ण सदृश रक्त वर्ण की होती है। तो धातुओं के इंट्रोडक्शन के बारे में इतना ही। अब आगे के जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें आपको अलग अलग धातुओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। तब तक आपको ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से आपको पढ़ लेना है क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप आगे की धातुओं को समझ पाएंगे। टिल देन आप अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।